अगर आप बैंक से आसान महाना एक साथ और आसान शराइत पर गाड़ी लेना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको गाड़ी की किस्तों पर सूद भी ना देना पड़े और महाना एक साथ इस्लामी और शरई असूलों के मुताबिक हों, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं या ओवरसीज हैं, मिजान बैंक की कार अजारा स्कीम पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन कार फाइनेंस स्कीम है। मिजान बैंक से आप नहायत आसान शराइत और कम कागजात देकर बड़ी आसानी से गाड़ी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मिजान बैंक की कार इजारा स्कीम 100% इस्लामी असूलों के मुताबिक है। तमाम पाकिस्तानी रहायशी और बैरून मुल्क मुकीम अफराद दोनों ही इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इस वीडियो में एक एक बात आपको तफसील के साथ बताई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मौजूद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मिजान बैंक कार इजारा स्कीम। इस वीडियो में सबसे पहले आपको मिजान बैंक की जानब से दी जाने वाली सहूलियात के मुतालिक तमाम तफसीलात से आगाह करूंगा और वीडियो में आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताया जाएगा, आपकी महाना किस्त के बारे में भी बताया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि कौन से अफराद मिजान बैंक कार इजारा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और बैंक की जानब से कौन सी शराइत रखी गई है और अप्लाई करने के लिए कौन से कागजात की जरूरत होगी। मिजान बैंक से गाड़ी महाना किस्तों पर लेने के बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखें क्योंकि अगर आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखेंगे तो कोई ना कोई अहम स्टेप आप मिस कर सकते हैं और बहुत से दोस्त वीडियो मुकम्मल नहीं देखते और कमेंट्स में कहते हैं कि कर्ज अप्लाई करने का तरीका बता दें, कर्ज कहां से मिलेगा, कौन से कागजात बैंक को देने होंगे। दोस्तों, तमाम वीडियोज आपकी रहनुमाई और आसानी के लिए बनाई जाती हैं ताकि आप बैंक से गाड़ी या घर या किसी भी कर्ज लेने का तरीका जान सकें और बहुत से अफराद दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात ना होने की वजह से कर्ज या गाड़ी वगैरह नहीं ले पाते और कहते हैं कि बैंक गाड़ी नहीं देता, बैंक कर्ज नहीं देता। दोस्तों, एक सिंपल सी बात है कि बैंक आपको कर्ज देता है और आप कहते हैं कि बैंक आपसे जरूरी कागजात भी ना ले और ना ही आपसे कोई सवाल पूछा जाए, बस आप बैंक जाएं और बैंक का अमला कर्ज की रकम या गाड़ी आपके हवाले कर दे। दोस्तों, ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता। हमेशा कर्ज लेने के लिए बैंक की कुछ शराइत पूरी करनी पड़ती हैं और इसी वजह से आपसे कहा जाता है कि वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपकी दरख्वास्त दुरुस्त मालूमात और तरीका मालूम ना होने की वजह से बैंक की जानब से रिजेक्ट ना हो। वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमती वीडियोज आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, मिजान कार इजारा जो कि एक इस्लामी स्कीम है और बैंक की जानब से वाज अल्फाज में लिखा गया है, पाकिस्तान की पहली रिबा फ्री कार फाइनेंसिंग, यानी यह पाकिस्तान की पहली सूद से पाक कार स्कीम है। सबसे पहले बात करते हैं कि मिजान कार इजारा क्या है। कार इजारा लीजिंग के इस्लामी फाइनेंसिंग मोड पर मबनी है। यह प्रोडक्ट उन अफराद के लिए मिसाली है जो मुकामी तौर पर तैयार या लोकल असेंबल शुदा गाड़ियों के हसूल के लिए बिला सूद फाइनेंसिंग हासिल करना चाहते हैं। कार इजारा कार किराए पर लेने के माहदे के जरिए काम करता है, यानी जब आप बैंक से कार लेते हैं तो कार बैंक की जानब से आपको महाना किराए पर दी जाती है। बैंक कार खरीदता है और उसे 1 से 5 साल की मुद्दत के लिए आपको किराए पर देता है जो कि बैंक के साथ एग्रीमेंट के वक्त तय किया गया था। इजारा की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद बैंक की जानब से गाड़ी आपको तोहफे में दी जाती है। पहले कार इजारा स्कीम की मुद्दत 7 साल तक थी, लेकिन अब स्टेट बैंक की जानब से कार लीजिंग की मुद्दत को कम करके 1 साल से 5 साल तक कर दिया गया है। अब कोई भी बैंक आपको 5 साल से ज्यादा मुद्दत के लिए गाड़ी नहीं देगा। अब बात करते हैं मिजान बैंक कार इजारा फीचर्स यानी खसूसियात के बारे में। मिजान बैंक से गाड़ी लेने पर बैंक की जानब से बहुत ही शानदार सहूलतें दी जा रही हैं। आपकी दरखास्त की फौरी प्रोसेसिंग होगी, गाड़ी की पहली किस्त आपको गाड़ी मिलने के 1 माह बाद अदा करनी होगी और यह सहूलत सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग में ही दी जाती है कि जब तक आपको गाड़ी डिलीवर नहीं होती उस वक्त तक आपसे कोई किस्त नहीं ली जाती। बाकी तमाम बैंकों की निस्बत आपसे कम अपफ्रंट पेमेंट ली जाएगी और कम से कम सिक्योरिटी डिपॉजिट 30% देना होगा। गाड़ी खरीदने पर विद होल्डिंग टैक्स मिजान बैंक की जानब से अदा किया जाएगा। जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं तो गवर्नमेंट की जानब से टैक्स लिया जाता है। मिजान बैंक से गाड़ी लेने पर यह टैक्स बैंक अदा करेगा।
अब बात करते हैं मिजान रोशन अपनी कार के बारे में। मिजान बैंक की जानब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी एक जबरदस्त सहूलत दी जा रही है। ऐसे ओवरसीज जिनका मिजान बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट मौजूद है, वो अफराद भी कार इजारा स्कीम से गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन ओवरसीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुख्तलिफ रखा गया है। कार लीजिंग के जरिए आप सिर्फ पाकिस्तानी कंपनी की गाड़ी ही खरीद सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट या एडवांस रेंटल गाड़ी की टोटल कीमत का कम से कम 15% और ज्यादा से ज्यादा 50% तक दिया जा सकता है। यानी आप कम से कम 15% और ज्यादा से ज्यादा 50% डाउन पेमेंट अदा कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपकी ECIB और डेटा चेक रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए, यानी आप किसी बैंक के डिफॉल्टर लिस्ट में ना हो। यह सहूलत रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स और गैर मुल्की करंसी अकाउंट होल्डर्स के लिए है। इसके लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आपको अपनी महाना किस्त रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए अदा करनी होगी और कार लीजिंग की मुद्दत मुकम्मल होने तक आपकी एज ज्यादा से ज्यादा 70 साल होनी चाहिए। नॉन फाइलर होने की सूरत में आपसे गाड़ी की टोटल कीमत का 4% टैक्स लिया जाएगा। गाड़ी के लिए अप्लाई करने वाले की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो लीजिंग की मुद्दत मुकम्मल होने तक आपकी उम्र 60 साल तक होनी चाहिए, और अगर आप कारोबार करते हैं तो आपकी उम्र 65 साल से ज्यादा ना हो। और अगर अप्लाई करने वाले ने कोई और कर्ज या कोई भी घर वगैरह बैंक से लिया हुआ है तो उनकी एक साथ की अदायगी आपकी महाना आमदन के 40% से ज्यादा ना हो। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जॉब करने वाले अफराद से और कारोबारी अफराद से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब लेटर देना होगा ज्वाइनिंग डेट के साथ, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, अपने CNIC की कॉपी देनी होगी, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके HR नुमाइंदे का नाम और मेलिंग एड्रेस देना होगा, आप जिस मुल्क में रहते हैं उसके क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट देनी होगी। अब कारोबारी अफराद के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। कारोबारी अफराद को अपने कारोबार का प्रूफ देना होगा, सफारत खाने से तस्दीक शुदा 6 माह की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, CNIC की कॉपी देनी होगी, जिस मुल्क में आप रहते हैं उसके क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट देनी होगी, तरसीलाते जर की आमदनी की सूरत में तरसील करने वाले की 6 माह की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स यहां अप्लाई नाउ पर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से पाकिस्तानी रहायशी अफराद कार इजारा के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं तनख्वाहदार और पेशावर अफराद की। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मौजूदा जॉब करते हुए 3 माह हो चुके हों और मौजूदा जॉब करते हुए आपको मुसलसल 2 साल गुजर चुके हों, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करते हैं तो आपको मौजूदा जॉब करते हुए 6 माह गुजर चुके हों और मौजूदा अदारे में जॉब करते हुए आपको 3 साल मुकम्मल हो चुके हों, और कारोबारी अफराद को मौजूदा कारोबार में मुसलसल 2 साल हो चुके हों। इसके अलावा मिजान बैंक की जानब से एक स्पेशल ऑफर भी चल रही है तमाम न्यू लोकल असेंबल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए। ये ऑफर RV प्लान है। अगर RV प्लान की आसान अल्फाज में वजाहत की जाए तो आप जो गाड़ी बैंक से खरीदते हैं अगर उसकी कीमत 20 लाख है तो आप बैंक से RV प्लान ले सकते हैं, जिससे आप बैंक को कहते हैं कि आप मुझे 15 लाख की 5 साल के लिए एक साथ बना दें और बाकी का 5 लाख मैं एक साथ आपको 5 साल के बाद अदा करूंगा। इस तरह बैंक आपसे 15 लाख के हिसाब से डाउन पेमेंट लेगा और आपकी महाना एक साथ 15 लाख में से डाउन पेमेंट देने के बाद बाकी रकम के मुताबिक होंगी, और RV प्लान का 5 लाख आपको 5 साल के बाद बैंक को एक साथ देना होगा। ये सहूलत आपको 5 साल के लिए मिलेगी। एडवांस रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो आप मिनिमम 30% और गाड़ी की कीमत का मैक्सिमम 50% दे सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आप 1 साल के लिए कितने फीसद RV प्लान ले सकते हैं और 5 साल के लिए कितनी रकम RV करवा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इनकी अपफ्रंट फीस 2500 रुपए होगी और डॉक्यूमेंट चार्जेस भी बैंक शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। रेंटल फ्रीक्वेंसी महाना रेंटल यानी महाना किस्तों में अदायगी करनी होगी। यहां बैंक की जानब से बताया गया है कि आप बैंक से 30 लाख से ज्यादा लीज नहीं करवा सकते। अगर आप 1000 cc तक गाड़ी लेंगे तो आपसे 15% डाउन पेमेंट ली जाएगी, और अगर आप 1000 cc से ज्यादा की गाड़ी लेंगे तो आपसे 30% डाउन पेमेंट ली जाएगी। प्री मेच्योर टर्मिनेशन यानी अगर आप मुकर्रर मुद्दत से पहले गाड़ी की बकिया के साथ एक साथ बैंक को देना चाहते हैं तो बैंक की जानब से यह सहूलत भी दी जा रही है,
और मुद्दत से पहले गाड़ी क्लियर करवाने पर बैंक आपसे तयशुदा रकम लेगा। कार इजारा प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप नई और इस्तेमालशुदा दोनों ही गाड़ियां बैंक से ले सकते हैं। आप बैंक से इस्तेमालशुदा गाड़ी भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस्तेमालशुदा गाड़ी लीज करवाने का प्रोसेस नई गाड़ी के प्रोसेस से मुख्तलिफ और थोड़ा मुश्किल है, और इसी वजह से लोग कोशिश करते हैं कि नई गाड़ी ही बैंक से ली जाए। अब बात करते हैं कि कार इजारा के जरिए कार कैसे हासिल की जा सकती है। आपको बैंक में एक फिल की हुई और दस्तखत शुदा दरखास्त देनी होगी, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मौजूदा सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको कारोबार का सबूत देना होगा, अपने कारोबार का एनटीएन देना होगा और ताजर एसोसिएशन का लेटर देना होगा, जिसमें आपके कारोबार के मुतल्लिक ताजर एसोसिएशन की जानिब से तस्दीक की जाएगी। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी और आपको अपनी एक तस्वीर दरखास्त फॉर्म के साथ देनी होगी। दोस्तों, यहां बैंक की वेबसाइट पर लोन कैलकुलेटर भी मौजूद है। अगर आप कोई भी कार लेना चाहते हैं और कार लेने से पहले अपनी महाना किस्त चेक करना चाहते हैं तो इस कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप नई कार लेना चाहते हैं या ओल्ड कार लेना चाहते हैं। मैं यहां पर न्यू कार सिलेक्ट करता हूं। अब वेंडर में मैं सुजुकी सिलेक्ट करता हूं, इसके बाद आल्टो VXR सिलेक्ट करता हूं, टेन्योर में 7 साल सिलेक्ट करता हूं। अब एक जरूरी बात आपको बता दूं कि आप 1000cc तक गाड़ी 7 साल की किस्तों पर ले सकते हैं। यहां पर डिपॉजिट 30% सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद RV भी 30% सिलेक्ट करता हूं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप फौरन गाड़ी लेना चाहते हैं या आपकी गाड़ी बुकिंग पर है। मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं। अब कैलकुलेट पर क्लिक करें। अब आप यहां डिटेल्स में देख सकते हैं, आल्टो 660cc है, गाड़ी की कीमत 17,33,000 है, जो कि मौजूदा कीमत से कुछ कम है, लेकिन आप मौजूदा कीमत के मुताबिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। आरबी पेमेंट 30% है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 30%, 5,19,900 रुपए है, प्रोसेसिंग फीस 2,500 रुपए है, टोटल अप फ्रंट 5,22,400 रुपए है जो आप बैंक को अदा करेंगे, महाना किस्त 29,626 रुपए बनेगी। दोस्तों, अब आपको ऐसी अहम बात बता दूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। जब आप बैंक जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कम अज कम 70,000 से 80,000 होनी चाहिए, तब बैंक आपको गाड़ी देगा। और अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो आपकी अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी जॉब परमानेंट है तो बैंक ज्यादा वेरिफिकेशन भी नहीं करेगा और आपको आसानी से गाड़ी मिल जाएगी। एक और जरूरी चीज जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए, आपके पास आपका एनटीएन होना चाहिए, और तमाम बैंक्स एनटीएन को बहुत अहमियत देते हैं। अब बहुत से अफराद ये सोचते हैं कि बैंक दरखास्त फीस क्यों लेता है। दोस्तों, जब भी आप बैंक में दरखास्त देते हैं तो बैंक की एक टीम आपकी दरखास्त पर काम शुरू कर देती है, जिसमें आपकी जॉब की जगह का विजिट किया जाता है, आपके कारोबार की जगह का विजिट किया जाता है और बाकी बहुत सारे मामलात बैंक की जानिब से किए जाते हैं। ये फीस आपकी दरखास्त की प्रोसेसिंग की मद में ली जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आप मिजान बैंक कार इजारा के बारे में सब तफसीलात अच्छी तरह समझ गए हैं। अगर आप मिजान बैंक से कार इजारा स्कीम के जरिए गाड़ी हासिल करना चाहते हैं तो आप मिजान बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।